नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम शेरपुर निवासी 19 वर्षीय यासिर खान पिता इसराइल खान बुधवार की दोपहर ग्राम के समीप नदी में नहाने गया था। नहाते समय युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। देखते ही देखते आंखों में ओझल हुए युवक की सूचना परिजनों एवं पुलिस को दी गई। थाना नटेरन के TI एवं थाना करारिया के TI अरुणा सिंह मौके पर पहुंचे। DG रिजर्व टीम CTI मंगेली जबलपुर ने विदिशा जिले के शमशाबाद तहसील के SDM के आदेश पर शैलेंद्र विसेन हवलदार, अनुदेशक वाहन चालक प्रेम नारायण, सहायक सैनिक 41 राशि तिवारी, 111 राजेश मिश्रा, 317 नेपाल सिंह, 1204 अश्वनी यादव, 152 संदीप पाटीदार, 245 रामबाबू यादव, 1207 कालू सिंह, 1204 रोहित, 1204 संजय, 1201 दीपक की पूरी टीम बीते बुधवार के दोपहर से रेस्क्यू में जुटी है। समाचार लिखे जाने तक सफलता नहीं मिली है, जिसमें पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। मेरा नाम हसीन खान है। क्या मामला है? कल नदी पुल से ऊपर थी और नदी पे कुछ लोग नदी के पास खड़े हुए थे और वहीं पे यासिर खान पुत्र इसराइल खां भी खड़ा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 18 से 22 साल के बीच की है। उसका बहाव में एकदम पैर फिसला और वो नदी में पुल पे गिर गया। उसके बाद काफ़ी लोगों ने निकालने की मशक्कत की, लेकिन वो नहीं निकल पाया और डूब गया। वो कल मौके पर यहाँ पर नटेरन थाना प्रभारी और करारी थाना प्रभारी भी आ गई थी, फिर SDRF की टीम भी आई, जिन्होंने 6 बजे तक लगभग उसको ढूंढा है और अभी तक उसका बॉडी नहीं मिल पाई है। और अभी फिर से दोबारा रेस्क्यू स्टार्ट किया जा रहा है, तो अब दोबारा जा रहा है तब जी जो टीम है जो भोपाल से शमशानाबाद में रेस्क्यू के लिए आई थी। कल एक SDM साहब के माध्यम से पॉइंट मिला कि यहाँ रेस्क्यू करने जाना है, एक बालक डूब गया, बॉडी निकालना है। तो फिर हम शमशानाबाद से सहपुर जो कौन सा गाँव है, इस गाँव में आए। 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रेस्क्यू किए, पर बॉडी को नहीं खोज पाए। आज फिर पुनः रेस्क्यू जारी है और बॉडी को पूरी उससे निकाला जाएगा ढूंढ के। मेरा नाम मुजफ्फर खान है। क्या मामला है? मैं और मेरे भाई बाड़े में थे, ये बाड़ा है करीब में, यहीं बारिश ज़्यादा हुई थी तो कीचड़ ज़्यादा मची हुई थी, चप्पल उसकी रिसक गई थी, इस कारण बस वो रिसका। कोशिश की बचाने की बहुत सारी सभी ने, लेकिन बस वो रिसक के कुछ देर तक लोग बहुत कोशिश की, गांव वालों ने सब ने, आखिरकार अभी तक उस कोई पता ही नहीं है, बचा ही नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। खूब कोशिश की, सब लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी, ये करीब में ये बाड़ा है हमारा, गांव के कई लोग पहुँचे आए, रस्सी जो भी जो सिस्टम था उनके पास बचाने का, पूरी कोशिश की बचाने की, लेकिन मालिक की कोई और मर्जी थी। सब बस ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।